जी आपका नाम? सुनीता मलिक, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष बीजेपी। अच्छा सुनीता जी, यहाँ मुझे डीएम कार्यालय पर आप खड़े हैं, क्या है आपका मामला, की जिला अध्यक्ष ने क्या टिप्पणी की आपके बारे में? मैं आज बहुत परेशान होकर आई हूँ। मेरे गांव का पीने का एक मामला था, हरिजन बस्ती का, दोनों भाइयों भाइयों में आपस में झगड़ा था, तो वो तो मैंने कोतवाली में शॉर्ट आउट उनका करा दिया। जो कोतवाल की मैं गलतियाँ जिलाध्यक्ष को फ़ोन करके बता, 8:30 शाम को, पहले तो मेरा फ़ोन नहीं था, फिर मैंने शाम को जब बता तो मुझे छूटे ये कहते हैं कि आप थानों में क्यों जाती हो, तो भाई हम वोट मांगन जब उन हरिजन बस्तियों में जाएंगे हरिजनों के यहाँ, तो क्या हम उनके लिए थानों में नहीं जा सकते कि क्या गलत है थानों में जाना, मैंने क्या गलती करी, या तो वे मुझे गलत प्रूव करो जिलाध्यक्ष जी कि सुनीता मलिक थानों में गलत काम कर रही है या गलत कुछ कर रही है, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी गलत बात, मेरे पे उंगली उठाई गई है यार। तो एक बार संजीव बालियान के भाई ने भी एक पुरका जी के थे, उनके लिए बोला, उनके आगे बोला था, पर वे कार्यकर्ता थे, वे उसका संजीव बालियान के भाई का मुंह बंद कर आए थे कि सुनीता मलिक नहीं वहाँ। तो पार्टी में किस तरह की महिलाओं की जरूरत है? बस चापलूस चाहिए, जो उनकी चापलूसी करे वे महिला चाहिए, मैं चापलूसी नहीं करती, मैं हक से बोलती हूँ, जहाँ बोलती हूँ काम करती हूँ, काम करने वाली महिला इन नेताओं को चाहिए नहीं। तो अगला कदम क्या होगा आपको? अगला कदम ये होगा, मेरा मान सम्मान मुझे वापस ना मिला तो मैं इस्तीफा दूंगी, मेरे साथ और भी महिला है जो इस्तीफा देंगी, और नहीं मेरा मान सम्मान वापस नहीं मिला मैं धन्यवाद। किस तरह का शोषण हुआ आपका? मेरा मानसिक तौर से भी शोषण है, मुझे बोलना नहीं दिया जाता कहीं, कि बोलना नहीं, कहीं कोई बड़े नेता आते हैं हमें नहीं मिलवाया जाता वहाँ से, और जो मैं बड़े नेताओं से अपने ऊपर बात रखती हूँ तो उन्हें भी मेरे लिए ये बताया जाता है ये लड़ती है लड़ती है। मैं किससे लड़ती हूँ? मैं गरीब आदमियों का काम कराने के लिए थानों में लड़ती हूँ, तो क्या मैं गलत हूँ? वोटर नहीं है वो हमारे, वोट नहीं मांगते हम उनसे, मैं वोट मांगने जाती हूँ तो मैं हक से उनका काम कराती हूँ, बड़े नेता उनका काम नहीं कराते गरीब आदमियों का, मैं गरीब आदमियों के लिए लड़ी हूँ। आज जो सुधीर जी मैं गलत मेरे लिए बोले हैं, तो एक हरिजन का काम था उसके लिए बोले हैं, थानों में मेरा शौक तो जाना नहीं, मेरा घर परिवार नहीं है। किस तरह की भाषा थी इनकी? उन्होंने सिर्फ मुझे छूटते ही कहा कि आप थानों में लेने क्या जाती हो, तो क्या थानों में जाना गलत है? तो फिर वोट मांगना भी गलत है, वोट नहीं मांग सकते फिर।